भगवान जब भीतर पधारते, भागवत जी का ही श्लोक है, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। एक एक श्लोक इतने दिव्य है, क्या बताएं। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कर्णरंध्र से, इस द्वार से प्रभु पधारते हैं हृदय में। महात्मा लोग कहते हैं कि जब भगवान भीतर पधारते हैं और देखते हैं कि अरे इसके हृदय में तो गंदगी भरी पड़ी है, भगवान को गंदगी पसंद नहीं, बंदगी बहुत पसंद है। किसी जिंदगी को मालामाल कर दे प्रभु यदि उसके हृदय में, उसकी जिंदगी में प्रवेश कर ले। और जब भगवान देखते हैं कि यहां तो बहुत गंदगी है और मुझे रहना है इसके हृदय में, और इसके हृदय में देखो तो कचरा कितना है, कोई भी अपने रहने के स्थान को गंदा रखता नहीं है। जहां रहना है वहां गंदगी कचरा आप देखेंगे भी तो पहला काम यह करेंगे कि हाथ में झाड़ू उठाएंगे, गंदगी साफ कर लेंगे। कथा में एक बार आकर बैठ गए और कान के द्वार से प्रभु भीतर पधार गए और भगवान ने देखा मनोमल को, उस गंदगी को, और भगवान सोचते हैं यहीं रहना है, बहुत गंदगी है, बहुत कचरा है, चलो सफाई करो। तो स्वयं श्री कृष्ण हाथ में झाड़ू उठाएंगे और बिहारी तुम्हारे दिल को बुहारेंगे। स्वयं बिहारी जब बुहारते हैं, बुहारी लगाते हैं, बांसुरी बजाते हुए बिहारी का दर्शन किया है, रास रचाते, गैया चराते, माखन चुराते, लेकिन बुहारी लगाते कन्हैया का दर्शन किया कैसे करेंगे। वो तो भीतर अकेला एकांत में अपना काम कर लेता है। और लगता है कि उसकी बुहारी भी, वो जो झाड़ू लगाता है ना हमारा कन्हैया, वो भी मोरपीछ का बना हुआ, तुमको जरा भी तकलीफ ना हो, उल्टे गुदगुदाने वाला स्पर्श। हमारे यहां हमारे वैष्णव भक्त जो हैं वो ठाकुर जी के मंदिर को जब सफाई करना हो तो वो मोरपीछ वाली झाड़ू उससे सफाई करते हैं। और स्वयं बिहारी जी जब बुहारेंगे हृदय के कचरे को साफ कर देंगे, तो स्वयं बिहारी जी जब ये काम करेंगे तो क्या हृदय के किसी कोने में कचरे का कोई अंश भी रह सकता है क्या। इसलिए व्यास जी ने लिखना पड़ा, एतस्माद परम किंचिन मनः शुद्धयै न विद्यते, श्रीमद् भागवत के समान मन की शुद्धि करने वाला दूसरा कोई साधन संसार में नहीं है।